मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मौन विषय के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं लक्ष्मी मिस, हिंदी व्याकरण के अगले भाग में आप लोगों को परिचय कराती हूँ। हिंदी व्याकरण में मैंने शब्द विचार में आप लोगों को संकर शब्द तक पढ़ाया था। संकर शब्द का मैंने अर्थ बताया था कि तालव शब्द शंकर, महादेवाधिदेव महादेव शिव जी होते हैं, और दंता सर के ऊपर अनुस्वार और कार शंकर का अर्थ होता है मिला जुला मिश्रित। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ शब्द, रूढ़ का अर्थ होता है बंधा हुआ, फिक्स, किसी बात के किसी पर्टिकुलर शब्द के लिए फिक्स हो गया, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जिस शब्द का एक निश्चित अर्थ हो और जिसके खंड करने पर उसका कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गाय, अगर हम उसको टुकड़े करेंगे तो गा और या निकल जाएगा जो निरर्थक हो जाएगा। पानी, जल, आम, ये सब छोटे छोटे शब्द जो हैं वो आपके रूढ़ शब्द हैं और एक किसी अर्थ के लिए बंध गए हैं। जैसे कि गाय, गाय बोलने से हमारे समझ में आ रहा था कि गाय एक पशु के बारे में बात हो रही है। जल, पीने वाला पानी, पानी पानी के बारे में हम लोग बात करें तो ये आपका हो गया रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। जब दो या दो से अधिक शब्द जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं, अर्थात दो सार्थक शब्द मिलकर के एक दूसरे सार्थक शब्द को बनाते हैं। जैसे पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, रसोई जोड़ घर रसोई घर, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, ये सब आपका क्या हो गया, ये यौगिक शब्द हो गया। यौगिक का अर्थ ही होता है जुड़ा हुआ। तीसरे नंबर पर है आपका योग रूढ़ शब्द। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा ये यौगिक भी है और रूढ़ भी है। रूढ़ मतलब किसी विशेष अर्थ के लिए फिक्स हो गया और यौगिक मतलब जुड़ा हुआ, अर्थात जो शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से तो बनता है परंतु जिसके एक विशेष अर्थ निकलता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा प्लस उदर लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। बीना पानी, बीना है जिसके हाथ में, बीना प्लस पानी बीना पानी, बीना है जिसके हाथ में अर्थात माँ सरस्वती। कोई भी आदमी हाथ में लेकर के बीना बजाएगा वो बीना पानी में नहीं कहलाएगा। दस प्लस आनंद दशानन, दस है सिर जिसके अर्थात रावण। तो ये आपका हो गया योगरूढ़ शब्द। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के तीन भेद है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया विकारी और दूसरा हो गया अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक पुरुष और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। जैसे संज्ञा शब्द, एक शब्द हम लेते हैं संज्ञा शब्द में, जैसे कि लड़का, लड़का का अगर बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा लड़के, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हो जाएगा लड़की। उसी प्रकार सर्वनाम शब्द हो गया, वह तो ऐसे पता नहीं चल रहा, वह जा रहा है पुल्लिंग हो गया, वह जा रही है स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन वह उस परिवर्तनशील शब्द है, वह उसने उसे उसको उसमें, ये शब्द के रूप में परिवर्तन होता चला जाता है। विशेषण, जैसे गोरा गोरी, लंबा लंबी, काला काली काले, इन सब के रूप में परिवर्तन होता है। क्रिया तो परिवर्तनशील है ही, जैसे कि वर्तमान काल भूतकाल भविष्यतकाल, क्रिया के अनुसार लिंग के अनुसार, से राम पढ़ता है सीता पढ़ती है, श्याम खाएगा श्याम पढ़ेगा, तो पढ़ना खाना इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। अब हम लोग आते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द विकारी शब्द का बिल्कुल ठीक उल्टा होता है, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक पुरुष और काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी आपके चार प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण,
सम्यक बोध है, समुच्चय बोध है और विस्मयादिक बोध है। तो बच्चों आज का आपका ये होमवर्क है कि लर शब्द विचार अप टू डॉट और पत्र नंबर 1। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।